सी एजुकेशन बृहन मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन एजुकेशन. माय नेम इज स्नेहल विशाल भावसार. आई एम क्राफ्ट टीचर इन वर्षानगर मुंबई पब्लिक स्कूल एट विक्रोली. हम सब ने देखो लास्ट टाइम में होली के कलर्स कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में हमने सीखा था. ओके, नाउ दिस टाइम वी लर्न अबाउट हाउ टू मेक पेपर पपेट. I am sharing my screen. Welcome all of you. Today we learn about paper puppet. Today's thought of the day: creativity makes life more fun and more interesting. आप जो हमेशा क्रिएटिविटी करते हो उससे हमें क्या मिलता है? अच्छे से हमें उसमें से फन मिलता है और हमें उसमें और इंटरेस्ट बढ़ते जाता है. जैसे जैसे हम करते जाएंगे अलग अलग नई चीजें तो उससे हमें इंटरेस्ट बढ़ता है. वर्क एक्सपीरियंस स्किल बेस्ड लर्निंग. स्टूडेंट्स ट्राई टू क्रिएट न्यू थिंग्स. स्टूडेंट्स correlate with available resources. Today's subject is paper puppet. Material: paper bag, papers, scissor, glue, cutter and decorative materials. Learning outcomes: knowledge about color contrast, identify different geometrical shapes of puppet, knowledge about how to draw circle, triangle and different geometrical figures. Create happiness while making things on his own. Develop self-confidence. Students, now what is puppet? So here it is. What is puppet? We learn about this. A doll or a figure controlled by a person so that it appear to be moving on its own is called a puppet. मतलब जो हम लोग आर्टिकल हाथ में पकड़ते हैं, जो फिगर्स रहते हैं वो हाथ में पकड़ के उसे हाथ से मूव करते हैं उसे पपेट कहते हैं. An object often resembling a human, animal or mythical figure that is animated or manipulated by a person called a puppeteer. जो ये ऑब्जेक्ट हैंडल करता है और जो उसमें आवाज अपना ये करता है उसे पपेटियर कहते हैं. जो ये हैंडल करता है पपेट उसे पपेटियर कहते हैं. ये जो पपेट्स है ये ह्यूमन के फिगर्स में रहते हैं कभी कभी, या फिर माइथोलॉजिकल मतलब जो पुराने जमाने के जो थे भगवान के वगैरह ऐसे अलग अलग फिगर में रहते हैं, या फिर एनिमल्स के भी पपेट होते हैं. History of puppets. Puppetry as an art form is believed to be more than 3000 years old. The earliest puppet probably originated in Egypt.
puppets made of ivory and clay was discovered in tombs. Even ancient Greek scholars like Aristotle and Plato had mentioned about puppet as early as 422 BC. In India, puppetry was practiced from ancient times and is known by different names in different parts of the country. देखो यहाँ पे महाराष्ट्र में पपेट के अलग अलग, इंडिया में यहाँ पे अलग अलग नाम से, उसमें महाराष्ट्र में बोल क्या बाहुल्या बोलते हैं उसे, या फिर हाथ के ऊपर जो बाहुली ये करते हैं उसे फिंगर पपेट कहते हैं, और कुछ जगह पे कठपुतली रहती है, वहां पे कठपुतली धागे के ऊपर हाथ ये करके कठपुतली से धागे से कठपुतली हिलाते, तो इंडिया में अलग अलग उसके नेम्स है. नाउ टाइप्स ऑफ पपेट, देयर आर फोर मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपेट्स यूज इन इंडिया. द टाइप्स ऑफ पपेट एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स वेयर इट इज यूज आर गिवन बिलो. फर्स्ट इज ग्लो पपेट, सेकेंड रॉड पपेट, थर्ड शैडो पपेट एंड फोर्थ स्ट्रिंग पपेट. अब यहाँ पे देखो ग्लो पपेट जो है, ये दो चीजें है, ये दो जो फोटो है ये ग्लो पपेट की है. इसमें हाथ में ग्लो डाल के पपेट तैयार करते हैं उससे, और फिर उससे ऑपरेट करते हैं. यहाँ पे हम हैंड ग्लोव जो है उससे भी बना सकते हैं, या फिर जो अपने पास ग्लो रहता है उससे भी हम लोग पपेट तैयार कर सकते हैं. एंड सेकेंड इज सॉक्स पपेट. सॉक्स पपेट ये भी ग्लो पपेट में आता है, जो अपना सॉक्स रहता है कलरफुल उसे ऑपरेट करते हैं और उसे पपेट शो में यूज करते हैं. सेकेंड इज रॉड पपेट. दिस इज यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर स्ट्रिंग है और स्टेज के पीछे से उसे ऑपरेट करते हैं, ऊपर से ऑपरेट करते हैं. इसे कठपुतली भी कहते हैं. ये रॉड के ऊपर रहते हैं और रॉड से उसे धागे से ऑपरेट करते हैं. थर्ड है शैडो पपेट. शैडो पपेट में क्या होता है, लाइट जो है वो स्टेज के यहाँ से दिखा के उसके जो अपने फिगर से उसके शैडो क्रिएट करते हैं. देन आवर क्राफ्ट, इन आवर क्राफ्ट सेशन वी लर्न अबाउट दिस पेपर पपेट. And paper puppet is different ways. First photo is paperback puppet. Second is paper finger puppet. जो हम लोग उंगली में पेपर का कुछ भी फिगर तैयार करके उंगली में ऑपरेट कर सकते हैं उसे फिंगर पपेट कहते हैं. उसके बाद है बॉक्स पपेट. जो हम एम्प्टी बॉक्स रहता है हमारे पास उससे हम इसे तैयार कर सकते हैं. इसके बाद देखो आइसक्रीम स्टिक पपेट है. ये आइसक्रीम स्टिक पपेट जो है यहाँ पे दिखाया है, ये आइसक्रीम के जो स्टिक रहती है उसके ऊपर आप कौन सा भी पेपर पे ड्रॉ करके वो फिगर यहाँ पे अटैच कर सकते हैं. अगर आपके पास फिगर नहीं है तो आप रेडीमेड अपने ओल्ड बुक्स में से भी यहाँ पे फिगर स्टिक कर सकते हैं. देन सेकेंड इज पेपर पपेट. यहाँ पे पेपर का ही पपेट तैयार किया है अलग अलग डिफरेंट वेज से, और अनदर इज ऑल्सो पेपर पपेट. नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू क्रिएट अ पेपर पपेट. यहाँ पे देखो मैंने जो हमने अभी सीखे वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पपेट है. यहाँ पे ये है पेपर बैग पपेट. इसे हम लोगों ने सिर्फ पेपर जो रहती है हमारे घर पे, देखो आर्टिकल कुछ भी मटेरियल आता है, अभी प्लास्टिक बैग अलाउड नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं पेपर बैग में हमारे घर पे कुछ भी मटेरियल आता है तो हम लोग उसका वापस रीयूज कर सकते हैं. तो ये है पेपर बैग पपेट. अनदर इज फिंगर पपेट. ये पेपर से ही तैयार किए हैं.
इसको आप फिंगर में डाल के ऑपरेट कर सकते हैं, जो भी आपका इसमें शो रहेगा, पेपर पपेट शो रहता है उसमें आप फिंगर पपेट भी यूज कर सकते हैं. देन दिस इज ऑल्सो फिंगर पपेट. यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे होल में उंगलियां रख के इसे आप ऑपरेट कर सकते हैं. इसको आप पेपर के ऊपर या टेबल के ऊपर रख के चलने के जैसे इसको इस तरह से फिंगर से ऑपरेट कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो फिंगर पपेट. देन दिस इज ऑल्सो पेपर पपेट. आप लोग हमेशा देखो ये बनाते हो ऐसे ट्रे बनाते हो, वो ट्रे का ही यूज करके चैटर बॉक्स बोलते हैं इसे, चैटर बॉक्स का यूज करके उसे अलग अलग एनिमल्स के शेप में हमने तैयार किया है. दिस इज बॉक्स पपेट. आपके घर पे छोटे बॉक्स रहेंगे या फिर अपने यहाँ पे क्लोजअप माचिस के बॉक्स रहते हैं, वो माचिस के बॉक्स का आप इसमें यूज कर सकते हो, या फिर आपके घर पे अपना क्लोजअप का या कौन सा भी टूथपेस्ट का बॉक्स आता है उसका भी यूज आप यहाँ पे पेपर पपेट के लिए कर सकते हैं. ये भी पेपर पपेट से ही बॉक्स का यूज करके तैयार किया है. एंड अनदर इज स्टिक पपेट. इसमें देखो आपके घर पे अगर आपको ड्राइंग अच्छे से आता होगा तो आप ड्राइंग करके कुछ भी फिगर यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है अभी ड्राइंग मटेरियल तो आपके ओल्ड बुक्स जो रहते हैं वो नोटबुक वो टेक्स्ट बुक में से आप ऐसे चित्र कट करके यहाँ पे आप उसको स्टिक के ऊपर चिपकाना है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं पपेट शो के लिए. उसके बाद यहाँ पे देखो जो मैंने अभी सॉक्स पपेट बताए थे, ये ग्लो पपेट है, ग्लो से तैयार किया है. दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? हेलो मैडम. बिल्कुल, बहुत प्यारा दिख रहा है. ओके ओके, थैंक यू. यहाँ पे इसमें देखो हम लोग ग्लव्स में क्या करते हैं, अपना हाथ ग्लव में डाल के और उंगलियां जो है वो दोनों साइड रखना है और उसे हम लोग ऑपरेट करते हैं. अभी देखो इसको हम लोग अगर ताली बजाते हुए दिखाना चाहते हैं तो ऐसे ताली बजा सकते हैं. इसकी गर्दन उंगली से भी हाथ से हम लोग नीचे कर सकते हैं, तो ये भी अपना ग्लव पपेट है. इसमें हम लोगों ने फेल्ट का यूज किया है और यहाँ से हाथ अंदर डाल के हम लोग यहाँ पे पपेट कर सकते हैं. ये एक है देखो, ये भी ग्लव पपेट है, ये सॉक्स का भी यूज करके बनाते हैं. इसमें देखो यहाँ पे जीभ दिया है, यहाँ पे टंग है इसका, वो हम लोग ऑपरेट करेंगे तो वो बाहर आता है. इस तरह से हम इसका भी यूज कर सकते हैं. ये सब ग्लव पपेट है, ये भी एक है, अनदर इज ऑल्सो ग्लव पपेट. देखो ये कौन सा एनिमल है बताओ स्टूडेंट्स, कौन सा एनिमल है ये, कौन सा एनिमल दिख रहा है? फ्रॉग. नो, एनीवन टेल? दिस इज डायनासोर. Dinosaur. Yes, this is dinosaur. Dinosaur. Yes, ये भी glow puppet है. तो इस तरह से अभी हमने सब अलग अलग types of puppets देखे हैं. अब हमें क्या करना है, अब हम लोग start करेंगे puppet तैयार करने के लिए. First हम लोग paper bag से puppet तैयार करेंगे. Okay, let's start. इसके लिए देखो आपको मटेरियल क्या क्या चाहिए. इसमें हमें देखो एक पेपर बैग चाहिए. उसके बाद
कुछ पेपर्स चाहिए कलरफुल, ये पेपर्स का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्केच पेन, सीजर एंड कटर एंड ग्लू, ये मटेरियल से हम अभी पेपर बैग बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके वन सेकेंड। फर्स्ट हमें क्या करना है, जो आपको आर्टिकल तैयार करना है, जो पपेट तैयार करना है, उसका हमें क्या क्या उसके लिए रखता है वो हमें पेपर, कलर्स के पेपर साइड में निकालना है। अभी देखो मैं इससे डॉग का, या फिर आपको अगर चाहिए तो हम इसका कैट का भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें कैट के लिए क्या क्या चाहिए, देखो उसके ईयर्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे व्हाइट पेपर चाहिए, और उसके अंदर ईयर्स के अंदर हम लोग पिंक पेपर यूज करेंगे। पेपर बैग जो रहता है, देखो ये पेपर बैग हमेशा ऐसा मिलता है अपने दुकान में, वगैरह आप मटेरियल लाते हैं कुछ भी है तब यहाँ पे सामान लाते हैं तो उसमें पेपर बैग मिलता है, उसको हमें फोल्ड करके लेना है। जो नीचे का बेस है उसे फ्रंट साइड में ऐसे फोल्ड करना है, मतलब हमारा जो हाथ हम लोग अंदर से डाल के इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हमें चेक करके लेना है कि बराबर फोल्ड हुआ है कि नहीं। यहाँ पे फोल्ड रखना है ऐसे, जो नीचे का बेस है वो हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ रखना है। अब हमें यहाँ पे मैडम सीधा दिख रहा है ना बराबर? देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेपर बैग का यूज करने वाले हैं। इसका जो नीचे का बेस है वो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ रखेंगे। सबको वीडियो सीधा दिख रहा है ना? मैम आपका जो है दूसरा हाथ दिख नहीं रहा है, खाली दूसरे हाथ का फिंगर नहीं, उस तरफ नहीं, दूसरे साइड में लीजिए। हाँ सीधा दिख रहा है ना वीडियो? हाँ सीधा दिख रहा है, वो इशू नहीं है। ठीक है मैं एडजस्ट करती हूँ। हाँ ये परफेक्ट है। या हाँ ठीक है थैंक यू। देखो हमें पेपर बैग क्या करना है, सामान निकालने के बाद यहाँ पे जो बेस का साइड है वो हमें ऊपर की तरफ रखना है, और इसे चेक करना है कि ये बराबर ऑपरेट होता है कि नहीं। यहाँ से अंदर से हाथ डाल के हमें यहाँ पे ऑपरेट करना है कि ये बराबर ऑपरेट होता है कि नहीं। बाद में हमें क्या चाहिए, इसका हमें अभी कैट का हम लोग बनाने वाले है, तो कैट के लिए यहाँ पे उसके ईयर्स हमें दिखाने हैं। तो पेपर के ऊपर आप ईयर्स ड्रॉ करके ले सकते हैं। इसमें आप अलग अलग टाइप्स के बना सकते हैं एनिमल्स, अगर आपको चाहिए तो आप रैबिट बना सकते हो। अगर आपके पास पेपर बैग अवेलेबल नहीं है तो आपको क्राफ्ट में, देखो पेपर बैग सबको सिखाया है स्कूल में, है ना, आपके क्राफ्ट टीचर ने आपको पेपर बैग सिखाया है, तो वो पेपर बैग आप लोग, अगर पेपर का आपके पास ऐसा वाला बैग नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपने घर पे अपने हाथ से पेपर बैग तैयार करके उसका यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको व्हाइट कलर का पेपर चाहिए, व्हाइट कलर का अगर रैबिट बनाना होगा तो आपको क्या करना है, पेपर बैग व्हाइट कलर का तैयार करना है, और उसके बाद हमें उससे पपेट तैयार करना है। तो कंपलसरी नहीं है आपके पास पेपर बैग चाहिए जो बाहर मिलता है वो, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने हाथ से तैयार करो और उसका यूज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे हमने दो ईयर्स तैयार करके लिए हैं। अभी ईयर्स के अंदर थोड़ा पिंकिश शेड रहता है ना, जहाँ पे भी आप लोग कैट देखते है या रैबिट देखते है उनके ईयर्स के अंदर इस तरह से
पिंक शेड रहता है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा छोटा करना है पेपर को, क्योंकि अंदर वाला साइड जो है वो भी छोटा रहता है और हमें दिखना भी चाहिए। जो बाहर हम लोगों ने व्हाइट पेपर यूज किया है वो हमें अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे वापस सेम इसके ही साइज में लेकिन थोड़ा छोटा लेना है। आपको चाहिए तो आप इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करके भी कट कर सकते हो, मतलब दोनों शेप आपके सेम और परफेक्ट आएंगे। यहाँ पे देखो हमने दो ईयर्स के लिए कट करके लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो दो पीस है ये हमें यहाँ पे अंदर व्हाइट के ऊपर स्टिक करना है। ओके, अभी हमें ये अपने ईयर्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ग्लू लगाना है और हमें यहाँ पे ये ईयर्स के ऊपर स्टिक करके रखना है। और फिर बाद में हमें ब्लैक पेपर चाहिए आईज के लिए, ये हम लोग पेपर का तैयार कर रहे हैं इसलिए ज्यादा करके आपको सब इसमें पेपर्स यूज करने हैं। अभी आईज के लिए देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे आईज लगाने के लिए सर्कल चाहिए, तो आपको अगर आपके पास कुछ सर्कल शेप का ही रहेगा तो आप राउंड शेप का लेके उससे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। अभी हमें जितना चाहिए सर्कल हम वहां पे मेजरमेंट लेके, बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए वैसे हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके लेंगे। अब पेपर के एक कॉर्नर में आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करके कट करना है। पहले हम लोग व्हाइट सर्कल ड्रॉ करके लेंगे और व्हाइट के ऊपर हमें ब्लैक, व्हाइट के अंदर हमें ब्लैक लगाना है। आपको अगर डायरेक्ट ब्लैक लगाना रहेगा तो भी आप डायरेक्ट ब्लैक लगा के भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग फोल्ड करके लेंगे पेपर को, मतलब हमारा टाइम बचेगा यहाँ पे। एंड कट द सर्कल प्रॉपरली। यहाँ पे हमने दो सर्कल कट करके लिए। अभी यहाँ पे सर्कल के अंदर हमें क्या करना है, ब्लैक कलर का ये चाहिए तो हमने इसके ऊपर, अभी इसके अंदर हमें जो छोटा सर्कल चाहिए वैसे हमें ब्लैक कलर का सर्कल ड्रॉ करके लेना है। ये आपको स्केच पेन से भी आप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा करके पेपर यूज करेंगे तो उतना अच्छा है, आपको कटिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और पूरा बैग आपका पेपर का ही अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे हमने दो सर्कल कट किए हैं, अभी यहाँ पे हम लोग इसको स्टिक करेंगे। ज्यादा ग्लू यूज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा एक करके हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके ईयर्स और आईज दोनों हम लोग यहाँ पे स्टिक करके लेंगे। जो अपना पेपर बैग का यहाँ पे बैक साइड है ऊपर की तरफ हम लोग ईयर्स ऐसे स्टिक करेंगे, आगे से स्टिक किया तो भी चलेगा या फिर आपको अगर चाहिए तो आप बैक साइड से भी ऐसे स्टिक कर सकते हैं। अगर बैक साइड से स्टिक करना है तो यहाँ पे फ्रंट में हमें ग्लू लगाना है और
इस तरह से ऊपर की तरफ लगाना है एंड सेकंड आल्सो सेम. अगर पेपर बैग आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको क्राफ्ट टीचर ने पेपर बैग बनाना सिखाया है ना, तो उसका यूज करके आप अलग अलग कलर्स का पेपर बैग बना सकते हो और यहाँ पे हमें यूज करने को इजी है. फिर अगर आपको रैबिट का बनाना है तो व्हाइट पेपर से आप लोग पेपर बैग तैयार करो. जो आपको चाहिए उसका कलर का हमें पेपर बैग तैयार करके लेना है. किसी किसी के घर पे पेपर बैग अवेलेबल नहीं है अभी, तो आपको अभी दुकान में जाके लेके नहीं आना है. आपके घर पे जो पेपर अवेलेबल है उसका यूज करके आप उसे तैयार कर सकते हो. देखो इसका आईज हो गया, अभी यहाँ पे हम इसका नोज तैयार करेंगे. नोज के लिए हम लोग वापस पिंक कलर का यूज करने वाले हैं. इसे हमें हाफ सर्कल में ऐसे कट करके लेना है. और यहाँ पे हमें इसका नोज लगाना है. अपने लास्ट ईयर भी सीखा है पेपर बैग तैयार करना, तो उसका ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और पेपर बैग तैयार कर सकते हो. अभी इसका हमें जो टंग है वो रेड कलर से दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका टंग के लिए थोड़ा सा लंबा पेपर कट करना है और ओवल शेप में कट करना है. नीचे का जो शेप है हमें यहाँ पे ओवल शेप में रखना है. छोटा सा चाहिए तो हमें छोटा पेपर कट करके देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे टंग स्टिक करेंगे. ज्यादा आपको यहाँ पे टंग जो है वो बहुत बाहर नहीं रखनी है, थोड़ा सा ही हमें यहाँ पे दिखेगा, इस तरह से रखना है. अब यहाँ पे हमें ब्लैक स्केच पेन का यूज करके जो छोटे छोटे यहाँ पे कैट की जो यहाँ पे हमें उसका ड्रॉ करके लेना है. ये भी आप पेपर से भी लगा सकते हो या फिर अगर आपको चाहिए तो आप स्केच पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो. अब यहाँ का ऊपर का पार्ट अपना रेडी हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, एक व्हाइट कलर का पेपर यहाँ पे हमें स्टिक करना है. इसमें आपको अलग अलग एनिमल्स आप बना सकते हो. यहाँ पे हम लोग वापस पेपर को फोल्ड करेंगे और जितना हमें चाहिए उतने मेजरमेंट से पेपर को कट करेंगे. आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो या फिर आपको अगर चाहिए तो आप पहले ड्रॉ करके बाद में भी कट कर सकते हो. अब यहाँ पे हमने ये शेप कट किया है. ये हमें देखो साइड में यहाँ पे ज्यादा है एक्स्ट्रा का, तो वो हमें क्या करना है, थोड़ा सा कट करके लेना है. इस तरह से हमें यहाँ पे स्टिक करना है. आप चाहिए तो यहाँ पे भी कैट के लेग्स दिखा सकते हो, पेपर के लेग्स तैयार करके वो दिखा सकते हो, या फिर इस तरह से हमने पेपर स्टिक किया तो भी चलेगा. देखो ये अपना पेपर बैग का रेडी हो गया है. इसमें आप ओपन साइड से यहाँ पे अंदर हाथ रख के और जो अपनी उंगलियां है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे
जो गैप है उसमें अटका के हमें इसे ऑपरेट करना है। अभी हमने क्या क्या देखो, ये उंगली अंदर रख के इसको आप बोलने के लिए ऐसे आपको तैयार कर सकते हैं। ये अपना पेपर बैग का पपेट रेडी हो गया है। अभी हम लोग दूसरा एक पपेट सीखेंगे और एक ये सबको समझ में आया पेपर बैग से पपेट। देखो अभी स्क्वायर पेपर लेंगे और इससे हम लोग देखो ये जो है कौन सा एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है, दिस इज टाइगर। ओके नाउ वी विल मेक टाइगर पपेट। ये एकदम इजी है, आप लोग इसको हमेशा तैयार करते हो। देखो इसमें भी हमें स्क्वायर पेपर चाहिए, स्क्वायर पेपर का यूज करके इसका हमें फोल्ड करके लेना है इसे। अब यहाँ पे हमें मिडल तक ये फोर पीस फोल्ड करना है, फोर कॉर्नर फोल्ड टू मिडल। देन बैक साइड ऑल्सो वी हैव टू फोल्ड दिस कॉर्नर टू मिडल। ये एकदम इजी है और कम टाइम में आप इसको बना सकते हो। ये ट्रे बनाने को सबको आता है ना, तो सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, ट्रे होने के बाद उसके ऊपर आपको डेकोरेशन करना है। अभी देखो बैक साइड में आपको क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करके लेना है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद इसमें हम लोग थोड़ा ओपन करके यहाँ पे अपने चार उंगलियां रख के इससे ऑपरेट कर सकते। इसको भी आप अलग अलग शेप में अलग अलग एनिमल्स का बना सकते हो, फ्रॉग का बना सकते हो, टाइगर बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप एनिमल तैयार कर सकते हो। इसमें आप फिर इस तरह से आपको डेकोरेट करना है। जो आपका ये रेडी हो गया है इसके ऊपर आपको ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स लगाने हैं, आईज लगाना है, यहाँ पे आप उसको ईयर्स लगा सकते हो, और अंदर की साइड आपको क्या करना है, रेड कलर का पेपर जो रहता है वो रेड कलर का पेपर हम लोग यहाँ पे कट करके ट्रायंगल शेप में स्टिक किया है, और उसके दांत जो रहते हैं वो टीथ दिखाने के लिए यहाँ पे व्हाइट पेपर का यूज किया है, और यहाँ पे टंग के लिए पिंक कलर का पेपर का यूज किया है। ओके तो इसको आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट वाला सिखाती हूँ, अपने पास टाइम कम है इसलिए मैं इसको अभी डेकोरेट नहीं कर रही हूँ। आपको क्या करना है, सेम ऐसे आपको जो अच्छा लगेगा एनिमल्स का वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके उसको डेकोरेट करना है। ओके तो ये अपना टाइगर का हो जाएगा ऐसे तैयार। सिर्फ इसको आपको अभी टीथ और आईज वगैरह ड्रॉ करके इसको डेकोरेट करना है। अभी हम लोगों को दूसरा और नया सीखना है, इसलिए हम लोग फटाफट ले रहे हैं कि दूसरे और आप ज्यादा सीख सके इसमें से। अब देखो यहाँ पे मैं फिश का एक बनाने वाली हूँ, उसके लिए हमें चाहिए A4 साइज का पेपर। यहाँ पे हमने A4 साइज का पेपर लिया है, और इसे हमें वर्टिकल साइड में ऐसे 3 फोल्ड करना है, पेपर के ऐसे 3 फोल्ड करके लेना है
और इसे हम लोग वर्टिकल शेप में ऐसे फोल्ड करेंगे। थ्री जो पीस है वो बराबर सेम टाइप के होने चाहिए। अब यहाँ पे हमें देखो ये इसका मिडल कहाँ पे है, उसको मिडल के मिडल से ऐसे फोल्ड करना है। ये जो अपना पेपर है इसको मिडल से फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसका ऊपर का जो साइड है वो हमें यहाँ से मिडल तक फोल्ड करके लेके आना है। एंड बैक साइड ऑल्सो सेम, बैक साइड में भी हमें इसे फोल्ड करना है। और यहाँ पे देखो अपना ये पेपर जो तैयार हो जाएगा, यहाँ पे फोल्ड होने के बाद ग्लू से हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। सिर्फ कॉर्नर में ग्लू अप्लाई किया तो भी चलेगा, यहाँ पे हमने इसे फोल्ड किया है और स्टिक किया। अभी बैक साइड ऑल्सो सेम, ये जो ओपन पार्ट है यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ग्लू से स्टिक करना है। देखो अभी ये अपना पपेट के लिए बेसिक जो हमें ये चाहिए वो रेडी है। इसमें हम लोग फिगर डाल के अपना जो फिंगर है इसमें कवर कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो पॉकेट दिख रहा है, ये पॉकेट के अंदर हम इसे इस तरह से ऐसे फिंगर्स डाल के यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। अभी इसको हमें डेकोरेट करना है। ये हम लोग कौन सा बना रहे हैं, ये हम लोग फिश का बना रहे हैं। फिश जो रहता है डॉल्फिन या शार्क, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसका यहाँ पे उसे डेकोरेट करना है। अभी डेकोरेट करने के लिए ये जो अंदर का पार्ट है ये उसका फिश का क्या है, अंदर का माउथ है, तो हमें उसके लिए रेड पेपर का यूज करना है। जितना हमें पेपर चाहिए उतने साइज का हम लोग पेपर पहले मेजरमेंट लेके कट करेंगे। आप ऐसे स्केल से भी मेजरमेंट ले सकते हो या फिर आर्टिकल के ऊपर से भी प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे लाइंस मिल जाएंगे, ये लाइन के ऊपर हम इसको कट करेंगे। कट करते समय धीरे से करना है, स्केल आपके पास जो सीजर रहेगा या फिर कटर रहेगा वो हाथ में लगना नहीं चाहिए। देखो अभी ये पेपर इसके साइज का हमने कट किया है, इसको हमें मिडल से ऐसे मिडल के यहाँ पे स्टिक करना है और फोल्ड करके लेना है। वो इजीली मूव होना चाहिए इसलिए हम यहाँ पे फोल्ड करके लेंगे और इसको भी ग्लू अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। जो फोल्ड है उसके दोनों तरफ आपको ग्लू अप्लाई करना है और यहाँ पे फिश का जो माउथ है उसके लिए हम लोग यहाँ पे पेपर स्टिक करके लेंगे। अगर एक्स्ट्रा का पेपर रहेगा तो उसको आपको कट करके निकाल देना है। अब ये अंदर की साइड का देखो ऐसे ये जो ओपन साइड दिख रहा है इसमें भी हमें ग्लू अप्लाई करके स्टिक करना है। मतलब सिर्फ जो ऐसा बैग दिख रहा है उसके अंदर ही अपना उंगलियां रख के आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। अब इसके अंदर हम लोग उंगलियां रख के अब यहाँ पे उसका टीथ हमें अंदर की साइड लगाना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, व्हाइट कलर का पेपर यूज करना है
और व्हाइट कलर के पेपर से इसके हमें टीथ ड्रॉ करने हैं। जितना उसका आगे का फ्रंट साइड है यहाँ पे, वो फ्रंट साइड के उतना ही हमें टीथ को तैयार करना है। एक साथ हम लोग दोनों कट करेंगे, मतलब हमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड के टीथ यहाँ पे इस तरह से मिलेंगे। दोनों पेपर को एक साथ हम लोग जैसे जिगजैग शेप में कट करते हो, वैसे ही हमें यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से बड़े या छोटे ट्रायंगल कट करना है। शार्क जो रहती है उसके टीथ कैसे स्ट्रांग रहते हैं, तो वैसे आपको यहाँ पे छोटे ट्रायंगल कट करने हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिक करना है, लेकिन उसके पहले हमें फोल्ड करके लेना है, क्योंकि ये जो टीथ है वो हमें खड़े में ऐसे टीथ दिखने चाहिए। थोड़ी सी पट्टी फोल्ड करना है और यहाँ पे हम इसको, ये जो पार्ट है ये हम लोग यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे स्टिक करेंगे। सेकेंड पीस ऑल्सो सेम। ये टीथ आप अलग अलग एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे टाइगर के लिए और लायन के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। इस तरह से अंदर की तरफ हमने लगाया है। सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग वापस इस तरह नीचे के साइड में लगाएंगे। जो फोल्ड किया हुआ पार्ट है वो हमें क्या करना है, अंदर की तरफ रखना है, मतलब वो दिखेगा नहीं हमें, और ऑपरेट करते हुए ये टीथ जो है वो इस तरह से दिखेंगे एक के ऊपर एक। ओके, अभी शार्क के लिए हमें क्या चाहिए, इसको हम लोग थोड़ा देर ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे हम इसके आईज लगाने वाले हैं। आईज के लिए सेम वापस आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करके लेना है और उसे हमें कट करके यहाँ पे लगाना है। इसमें भी हमें ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर के सर्कल इसमें हमें लगाना है। दोनों सर्कल आपको एक साथ कट करना है। ये जो एनिमल्स आप बना रहे इससे आप पपेट शो कर सकते हो, या फिर कुछ स्टोरी रहेगा वो स्टोरी बोल सकते हो। इससे आप अलग अलग स्टोरी का ये करके डायलॉग बोल के अलग अलग आवाज निकाल के इसका प्रेजेंटेशन कर सकते हो। आपका जब एनुअल फंक्शन रहता है तो उसमें भी आप ऐसे पपेट शो कर सकते हो, जो आपने हाथ से तैयार करके पपेट हमें यहाँ पे करना है। अभी यहाँ पे देखो, मैं आँख के लिए थोड़ा सा पट्टी रखने वाली हूँ। ये पट्टी हमें स्टिक करने के लिए यूज होने वाला है। पूरा सर्कल नहीं कट किया है, यहाँ पे देखो दो छोटे छोटे पार्ट्स रखे हैं नीचे की तरफ, वहां पे हमें इसके जो आईज है वो हमें पूरा अंदर की तरफ नहीं ये करना है, इसलिए हम उसको थोड़ी सी पट्टी रख के। अब देखो जो हमने ये पार्ट रखा है उसे थोड़ा सा फोल्ड करके लेंगे, दोनों पार्ट्स को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ग्लू अप्लाई करके यहाँ पे उसके आंख इस तरह से स्टिक करने वाले हैं। ओके, इसलिए हमने ये पट्टी रखा है। सिर्फ आप लोग पूरा ये रखेंगे तो फिर वो 3D इफेक्ट नहीं आएगा उसमें। अभी आप इसके आंख जो है
ऐसे स्टिक करेंगे तो थोड़ा 3D इफेक्ट दिखता है. और शार्क में कैसे रहता है, टेल रहती है बैक साइड में. टेल के लिए हमें क्या करना है, अलग ब्लू कलर का सेम पेपर लेके शार्क की जो टेल रहती है वैसे हमें यहाँ पे, अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो आप लॉन्ग भी बना सकते हो. यहाँ पे जो टेल है इसको भी नीचे की तरफ थोड़ा फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे हमें उसको स्टिक करना है ग्लू अप्लाई करके. ऊपर की तरफ हम यहाँ पे आंख के पीछे आपको यहाँ पे इसको स्टिक करना है. ओके, तो ये जो है ये अपने शार्क तैयार हो गया. देखो फिश आप इस तरह से कौन से भी बना सकते हो. इसके अंदर आप उंगली से यहाँ पे पॉकेट जो है इसमें आप उंगली रख के इसको ऑपरेट कर सकते हो. जो टीथ है वो इसके टीथ भी दिखेंगे और शार्क का जो आंख है वो सब आपका ऐसा 3D जैसे दिखेगा. ओके, देखो बच्चों फिर आज हम लोगों ने कौन से पेपर पपेट बनाए हैं, पेपर बैग का यूज करके. उसके बाद फिंगर पपेट, देखो इसमें भी हम लोग अलग अलग शेप्स का पेपर से भी आप बहुत सारे अलग अलग अच्छे से पपेट्स बना सकते हो. आज हमने कौन सा सीखा, पेपर बैग से कैट का, डॉग का और कैट और डॉग और पेपर से और एक फिश का जो शार्क है उसका भी हमने पपेट तैयार किया है. इस तरह से आपको जो अच्छा लगेगा वैसे आप पपेट तैयार करके पपेट शो कर सकते हो. कैसा लगा सबको? देखो इसको आप ऐसे ऑपरेट कर सकते हो बीच में हाथ रख के, और सेकेंड वाला जो है वो भी आप देखो इस तरह से आप पपेट कर सकते हो. और पपेट शो के लिए आपको क्या करना है, आपके घर पे जो खाली बॉक्स रहते हैं दिख रहा है सबको, इस तरह से आप पपेट्स बना सकते हो. और खाली बॉक्स जो रहता है उसके ऊपर आप स्टेज के लिए देखो आप कैसे तैयार कर सकते हो. स्टेज जो रहता है आपके पास कौन सा भी बॉक्स रहेगा उसको आप मिडल से ऐसे कट करके, मिडल में कट रखो और मिडल में कट करके आप पीछे से ऑपरेट कर सकते हो. अगर आपके पास स्टेज के लिए दूसरा कुछ ये नहीं है तो आप जो बॉक्स रहता है उसके ऊपर ही आप अपना दुपट्टा या फिर आपके पास जो अवेलेबल रहेगा वो पर्दा जैसा ऐसे तैयार करना है और पर्दे के पीछे से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो. सिर्फ इसमें क्या है, पपेट शो करते समय आपका चेहरा नहीं दिखना चाहिए और आपका चेहरा बिना दिखे आप पपेट्स को ऑपरेट कर सकते हो. आपके पास जो भी पपेट्स आपने तैयार किए हैं वो और आवाज आपको अलग अलग आवाज ये करके आप इसके बैक साइड से पपेट्स दिखा सकते हो, है ना. इसमें आपका चेहरा बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं, सिर्फ आपके जो पपेट्स है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखेंगे. ओके, किसी को कुछ डाउट है इसमें, किसी को डाउट है कुछ? ओके, देन हम लोग देखो अभी यहाँ पे ये पपेट्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, आप सुनेंगे उनका. अभी क्या हो रहा है, कोरोना बढ़ रहा है बहुत. Yes.
यस टीचर। कोरोना की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये पपेट्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। देखो वो क्या कहते हैं। अरे गुटन यस टीचर। देखो ये पपेट कह रहे हैं आपसे, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अभी हम लोग बाहर कोरोना के वजह से जा नहीं सकते है ना, तो आपको क्या करना है, बार बार हाथ को अच्छे से वॉश करना है ना। मैं जो कहती हूँ, मेरा नाम है मिनी, आई एम मिनी माउस, ओके। एंड आपको क्या करना है, बार बार हाथ को वॉश करना है। एंड यू हैव टू वेयर मास्क, डोंट गो विदाउट मास्क आउटसाइड। व्हेन यू गोइंग आउटसाइड प्लीज वेयर अ मास्क। एंड ऑल्सो कीप सोशल डिस्टेंसिंग। जब आप बाहर एक दूसरे के साथ कहीं पे भी मिलेंगे तो आपको क्या करना है, ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आपको नहीं रखना है, दोनों के बीच में आपको कितना अंतर रखना है, 2 फीट का आपको, 2 गज की दूरी, हम लोग हमेशा सुनते हैं ना, 2 गज की दूरी रखनी है। ओके आपको क्या क्या करना है, मास्क पहन के बाहर जाना है, उसके बाद वॉश हैंड को हमेशा रेगुलरली वॉश करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ओके सब लोग करेंगे कि नहीं, प्रॉमिस करो मुझे, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क पहनने का प्रॉमिस करो मुझे। ओके फ्रेंड्स, देखो इस तरह से आपको क्या करना है, पपेट शॉप ऑपरेट कर सकते हो। ओके अभी आपके लिए असाइनमेंट है आज का, आपको असाइनमेंट है। देखो आपको क्या करना है, आपके घर पे जो अवेलेबल मटेरियल है उससे आपको अट्रैक्टिव पपेट तैयार करने हैं। मेक अट्रैक्टिव पपेट्स विथ प्रॉपर डेकोरेशन एंड अवेलेबल मटेरियल एट होम। अब हम सिर्फ 1-2 मिनट का वीडियो देखेंगे, इसमें आपको अंदाज आ जाएगा कि कैसे हमें पेपर का शो करना है। सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैडम? यस मैम। पेपर शो का हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे शो बना सकते हैं उसका एक छोटा सा वीडियो है, उसके बारे में यहाँ पे हम अभी सीखेंगे। 2 मिनट का ही वीडियो है, आप फिनिश होएगा फिर जल्दी से। One day there was a boy named Bob. Bob is walking in the park. मैडम स्क्रीन दिख रहा है? Hi. My name is Bob. हाँ दिख रहा है। How are you? Bob is eating a candy. Ooh. I love candies. Nom nom nom. Do you love candies? Because I love them too. Oh, where should I throw this garbage?
I think I can draw it anywhere. Mom Bob saw what he did, so his mom came. Hi, Mom. I saw you throwing garbage on the ground. Do you know that throwing garbage anywhere might cause a very, very big disaster? I don't know, Mom. So now you know. I'm telling you. You should listen to my advice, or something bad things might happen. Okay, Mom. So his mom walked away. Bob did not listen to what his mom said, and again he eats a candy. Oh, this candy is so sweet. I love candies. Do you like candies? Because I like them very, very much. Oh, where should I throw this garbage? I think I can throw it anywhere. Haha. Bob threw the garbage on the ground again. Every day, Bob was still doing it repeatedly. One day, a very strong rain came. Bob went home. A roaring thunder came. Bob was so afraid, and Bob was crying. Ooh, it's raining! Ooh. Mommy! Help me! There is a very, very huge wave! Mommy! And then Bob's mom came to the rescue. Let's go, son. Let's go anywhere where there is a safe place. Mama, let's go! And both of them went to a safe place. The huge wave destroyed everything. After that, the huge waves is gone. The rain was gone, and everything went to normal. The sun came back again. Bob came back to the place where he has been. Whoa! What happened here? This is so bad. I should have listened to my mom. Bob realized what he did was wrong. After that, Bob decided to pack up all the garbage. Starting now, I will never, never throw a garbage anywhere. And I will help preserve and conserve the environment. And soon after the disaster, trees have grown again. Bob was so happy, and he always listened to his mom. And he realized that throwing garbage can cause a very, very big disaster into the environment. So Bob did not throw garbage anywhere anymore. One day, Bob is eating a candy again. Yay! The trees are back! Ooh! This candy is so delicious! Where should I throw this garbage? I know now. I should throw to the garbage can. Yay! Woo! We're done! Bye-bye! The story was over. देखा आपने ये जो पपेट शो था वो मैंने YouTube से आपको दिखाया था. आपको चाहिए तो आप जब भी चाहिए तो आप YouTube पे जाके ये पपेट शो देख सकते हो. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर.